सो गाइस, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया टिकटॉक की एक और जबरदस्त VFX वीडियो के एडिटिंग को लेकर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इस तरह के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि टिकटॉक पे ये वीडियो काफी ट्रेंड में चल रहा है और ये वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, किसी को बेवकूफ बनाने से भी आसान है इस वीडियो को बनाना। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो आपको एक तिरंगे का फुटेज चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। सेकेंड चीज, आपको कुछ इस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड करना है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने से आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहला पॉइंट, आपको जो है अपना मोबाइल को ज्यादा हिलाना नहीं है। तो आप अपने मोबाइल को किसी ट्राइपॉड पे या किसी चीज पे अटका सकते हो। उसके बाद दूसरा चीज ये कि आप जो वीडियो शूट करो तो आपके वीडियो के बैकग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा आसमान का सीन आना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो, उसके पीछे जो है आसमान का सीन बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है वीडियो शूट कर लेना है। अब गाइज, आपको क्या करना है कि इस वीडियो का एडिटिंग डायरेक्ट स्टार्ट करना है KineMaster पे जाके। KineMaster एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो सीधे चलते हैं आप KineMaster की तरफ और वीडियो की एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। KineMaster एप्लीकेशन ओपन होने के बाद प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो लेना है। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और अपने उस वीडियो को लेना है जिस वीडियो को आपने शूट किया था। तो हम उस वीडियो को यहाँ पे ले लेते हैं और ओके करते हैं। अब गाइज, अगर आपके वीडियो के बैकग्राउंड में कोई साउंड है तो उसे ऑफ करना होगा। तो अपने वीडियो पे क्लिक करो, इस साउंड पे क्लिक करो और इस साउंड पे क्लिक करके अपने वीडियो के साउंड को कर दो ऑफ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है टिकटॉक पे जाके उसी साउंड पे शूट किया गया था। आप भी टिकटॉक पे जाके ही साउंड पे शूट कर लेना ताकि आपको बाद में साउंड डालने की जरूरत ना पड़े। वीडियो के उस पोजिशन पे जाना जिस पोजिशन पे हाथ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने वाला है, इस पोजिशन पे, और वीडियो को पॉज करना, फिर लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और तिरंगे का फुटेज आपको लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तिरंगे का फुटेज और ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो, तिरंगे के ऊपर एक कर्व टाइप का एरो है, तो इस एरो को पकड़ के ऐसे कर दो तो तिरंगा जो है थोड़ा सा खरा टाइप का हो जाएगा। फिर गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और इस वाले लाइन को पकड़ के कर देना है पूरा ग्रीन पे। सिर्फ ग्रीन पार्ट ही हमें लेना है अभी फिलहाल, और करना है आपको ओके। अब फिर से इस तिरंगे पे क्लिक करो और ये सीधा वाला एरो को पकड़ के ऐसे खींचोगे ना तो ये बड़ा होने लगेगा ऐसे, तो करीब इतना बड़ा कर देना है। फिर आपको ये जो है यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, थोड़ा सा ऊपर जाना, एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे वाइप राइट का, इस पर क्लिक करना, तो कुछ ऐसा तिरंगा ऊपर की तरफ उठेगा और इसे कर देना 0.5 पे। अब दूसरे साइड में देखो, दूसरे साइड में भी ये हाथ को जो है नीचे से ऊपर की तरफ उठाएगा, प्ले करो तो देखो ऐसे, तो इस पोजीशन पे आना है। इस पोजीशन पे आप जैसे ही आ जाओगे फिर से इस तिरंगे पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना और कर देना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर दोगे तो एक और तिरंगा नीचे आ जाएगा। फिर इसी पे क्लिक करो, कैंची पे क्लिक करो और कर दो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, तो कर दिया। फिर इसी पे क्लिक करना है और इसे पकड़ के ले आना है इधर, इस एरो को कर देना है ऐसे पकड़ के छोटा तिरंगे को, और बीच में ले आना है, ठीक है। और फिर से क्रॉपिंग पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा तिरंगा शो होने लगेगा जो कि थोड़ा सा अनहाईलाइट है, तो इसको पकड़ के कर दो पूरा इस साइड में और इसे पकड़ के कर दो इसके ऊपर, यानी कि केसरिया रंग के ऊपर, और ओके। फिर से इसी पे क्लिक करो और इस बारे एरो को पकड़ के कर दो इसे बड़ा ऐसे करके, और इसे लगा दो इस साइड में। फिर प्ले करोगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, जैसे इधर से उठाइए ग्रीन टाइप का, इधर से उठाइए केसरिया टाइप। अब देखो, यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ ये हाथ उठाता है ना, तो इस पोजीशन पे आपको आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और इस बार फिर से एक बार तिरंगा को लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तिरंगा को और ओके। और फिर से इस एरो पे क्लिक करो और इसे पकड़ के कर दो ऐसे, और इसे कर दो इस बार फूल इतना पे करीब, ठीक है, और इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस एनिमेशन पे क्लिक करो और कर दो फैड, और इसे कर दो 0.5 पे, ठीक है। और इस तिरंगे के थोड़ा सा इधर आओ करीब इस पोजीशन पे, और ये जो छोटा छोटा वाला तिरंगा का जो पट्टी वाला है ना, इस पर क्लिक करो, कैंची पे क्लिक करो, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दो, फिर इस पर क्लिक करो, फिर कैंची पे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दो। और वीडियो के लास्ट में जाना है जहाँ पे तिरंगा एक्स्ट्रा है, तो इस पर क्लिक करो,
कैंची पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर दो। इतना काम जैसे ही आप कर लेते हो, फिर अब अपने इस मेन वीडियो पे क्लिक करो, थ्री डॉट पे क्लिक करो, कर दो डुप्लीकेट। ठीक है, तो एक और ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसी पे डुप्लीकेट पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो और इस पे कर दो। और गाइज अपने इस वीडियो पे एक बार और क्लिक करो और थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लेंडिंग का, फिर से ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे मल्टीप्ले का ऑप्शन है, ये कर देना है। अब देखो आप वीडियो प्ले करोगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, देखो। देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा वीडियो ठीक है, लेकिन ये जैसे ही हाथ ऊपर की तरफ उठाता है ऐसे, बस यहाँ पे जो है हैप्पी न्यू ईयर लिखा के आना चाहिए। तो आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हैप्पी न्यू ईयर 2020 लिख देना है और ओके। और इसे यहाँ पे कर देना है कुछ ऐसा यहाँ पे, ठीक है। और इसके कलर को कर देना है चेंज, तो इस सर्किल पे क्लिक करो और यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है उसे ले लो। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, ठीक है। फिर इस डबल ए पे क्लिक करके इसके चाहो तो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आए आप उस तरह का फॉन्ट इसका लगा दो। तो चलो मैं रीड्रेस्ट को लगाता हूँ, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसे कर दो यहाँ पे ऐसे और इन एनिमेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे कर दो पॉप। अब उसके बाद यहाँ तक तो हैप्पी न्यू ईयर 2020 सही है, लेकिन इतना दूर हमें इंडिया लगा दे। कैंची पे क्लिक करो, स्प्लिट एट प्लेट कर दो, तो ये टेक्स्ट जो है दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। और इसे पकड़ कर दो पूरा फुल वीडियो के लास्ट तक और इसे पे क्लिक करो, फिर ये वाले कीबोर्ड पे क्लिक करो और यहाँ हैप्पी न्यू ईयर 2020 को हटा के लिख दो इंडिया और ओके। फिर से डबल ए पे क्लिक करो और इस इंडिया का जो है ये चेंज कर दो, यानी कि फॉन्ट को। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लैटो बोल्ड और ओके। तो देखो इंडिया कुछ इस तरह से आएगा, इसे थोड़ा सा कर दो बड़ा। सो गाइस फाइनली वीडियो जो है रेडी हो चुका है, लेकिन इसके नीचे साउंड लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टिकटॉक से वीडियो को जो है शूट किया होगा तो साउंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इस पे साउंड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैंने इसके साउंड को शुरू में ऑफ कर दिया था, तो इसे अब कर देते हैं ऑन। तो फिर से इस साउंड पे क्लिक करो और इस कट्टिस को हटा दो, तो इसके नीचे साउंड लग जाएगा। अब इसे करना है अपने मेमोरी कार्ड में एक्सपोर्ट और टिकटॉक पे कर देना है पोस्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर वाले आइकन पे क्लिक करो और यहाँ से 720p यहाँ 30 सेलेक्ट करके यहाँ से कर दो एक्सपोर्ट। सो जैसे वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है, आपको जो इस वीडियो पे जाना है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नीचे वाले साउंड पे क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है उसी साउंड पे, तभी जाके ये वायरल होने का चांस बढ़ जाएगा, बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स मिलेंगे। सो गाइस यही थी आज की ट्यूटोरियल, कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है अगर आपको एडिटिंग करने में, तो उसके लिए भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को एक लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस तरह की और भी VFX एडिटिंग की वीडियो का ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, ताकि आने वाली इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस फिर मिलते हैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।